फ्रेंड आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में आप सभी के भारी डिमांड पर पीएस क्लासेस लेकर के आ रहा है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट बायोग्राफी के एस वेंकेंटा रमनी का तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज धुआं धुआं हो धुआ जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगर हम बात करें वेंकेंटा रमनी वाज बोर्न इन 1891 इन कावेरीपट्टनम इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों बात करें वेंकटा रमनी का जो जन्म हुआ था तंजौर डिस्ट्रिक्ट में कावेरीप्टनम में अठारह में हुआ था हिज फादर सिद्धार नाथा अयर वॉज वेल टू डू लैंड लॉर्ड तंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड हिज एंसेस्टर हैड सर्वड एज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द तंजौर मराठा किंग्स अगर दोस्तों बात करें हिज फादर उनके पिता का नाम सिद्धानाथा अय्यर था वेल टू डू लैंड लॉर्ड इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट वे तंजौर डिस्ट्रिक्ट के समृद्ध लैंड लॉर्ड थे आगे दोस्तों अगर बात करें एंड हिज एनसेस्टर और उनके जो पूर्वज थे हेड सर्व सेवा में रहते थे एज मिनिस्टर मंत्री के रूप में इन द कोर्ट ऑफ तंजौर तंजौर के कोर्ट में मराठा किंग्स मराठा किंग तंजौर के कोर्ट में उनके जो पूर्वज थे वे सेवा देते थे वेंकटा रमणी हैड हिज स्कूलिंग एट नेशनल हाई स्कूल मायावरम एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज दोस्तों अगर हम बात करें तो वेंकटा रमणी कि जो स्कूलिंग हुई थी जो पढ़ाई हुई थी नेशनल हाई स्कूल में हुई थी मायावरम में एंड ग्रेजुएटेड और उनका जो स्नातक हुआ था फ्राम द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ था ही स्टडी लॉ एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से लॉ की डिग्री में अध्ययन किया था मद्रास जो कि मद्रास में है एंड सेटल डाउन इन द सबर्ब आप माला मालापुर वेयर ही बिल्ट अ प्रोफेशन एज ए लायर और उसके बाद ये सफर्ब ऑफ मालापुर में ये स्थित हो गए रहने लगे वेयर ही बिल्ट अ प्रोफेशन एज ए लायर जहाँ पर इन्होंने अपना जो व्यवसाय बनाया अपना जो पैशन बनाया वो एक वकील का बनाया दोस्तों अगर बात करें इनकी प्रारंभिक इन हिज अर्ली कैरियर इनकी प्रारंभिक कैरियर के बारे में बात करें तो वेंकेटा रमनी अप्रेंटिसेड अंडर द लेगल जाइंड सर सी पी रमंस वामी अयर दोस्तों इनका जो अर्ली कैरियर था वेंकेटा रमनी जी का वो सर सी पी रामास वामी अयर जो कि एक लेगल जाइंट थे के अंडर में अप्रेंटिस इन्होंने किया मतलब अभ्यास किया थ्रू आउट हिज लाइफ पूरे जीवन वेंकेटा रमनी कंफेंड फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट पूरे जीवन इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया ग्रामीण उत्थान के लिए कार्य किया एंड रोट मैनी मोनोलाग्यूज ऑन द सब्जेक्ट और बहुत सारे मोनोलाग्यूज़ इस सब्जेक्ट पर लिखे दोस्तों अगर बात करें तो वेंकेटा रमणी हैड पेन चैंड फॉर राइटिंग फ्रॉम एन अर्ली पीरियड इन हिज लाइफ वेंकेटा रमणी अपने प्रारंभिक जीवन की जो अवधि है तभी सीन के अंदर एक ललाय एक जो है इनके अंदर जिज्ञासा थी राइटिंग लिखने की एट द एज ऑफ सिक्सटीन सोलह वर्ष की अवस्था में ही गेव एन एलिक्यूंट स्पीच प्रोटेस्टिंग द पैट्री पैट्रिशन ऑफ बंगाल सोलह साल की अवस्था में इन्होंने बंगाल के पटिशन के प्रोटेस्टिंग में एक अपना स्पीच दिया दोस्तों अगर बात करें एंड द सेम पब्लिश्ड इन द मैगजीन और ये पब्लिश हुआ मैगजीन में द इंडियन पेट्रियाड इंडियन पेट्रॉट मैगजीन में ड्यूरिंग हिज स्टिंट एट द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के दौरान जब ये स्टिंट कर रहे थे वेंकेटा रमणी पब्लिश्ड सीरीज ऑफ स्केचेज ऑन विलेज लाइफ तो वेंकेटा रमणी ने ग्रामीण जीवन पर ग्रामीण जीवन पर जो है सीरीज ऑफ स्केचेस को पब्लिश किया बहुत सारी जो है यहाँ पर स्केचेस को पब्लिश किया विच वर लेटर पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ एन एंथोलॉजी जो कि बाद में एंथोलॉजी के रूप में पब्लिश हुई एंथोलॉजी का क्या नाम था जनाधारण जटाधारण एंड अदर स्टोरीज डियर फ्रेंड अगर हम बात करें तो वेंकंटा मेट रवीन्द्र टैगोर ना इन नाइनटीन वेंकटारमन सन उन्नीस सौ अट्ठाईस में रवींद्रनाथ टाइगोर से मिले टैगोर इंस्पायर्ड वेंकेटा टू स्टार्ट मैगजीन इन तमिल एंड वेंकेटा रमणी बिगेन ए तमिल वीकली टाइटल तमिल उलागू दोस्तों रविन्द्रनाथ टाइगोर जी ने वेंकटा रमनी को एक मैगजीन लिखने के लिए इंस्पायर किया और वेंकटा रमन जी इंस्पायर होकर के तमिल में एक साप्ताहिक लिखना शुरू किए साप्ताहिक पुस्तक जिसका नाम था टाइटल तमिल उलागू अगर दोस्तों हम बात करें तो वेंकेटा रमनीज फर्स्ट बुक वाज पेपर बोट्स वेंकेटा रमनी की जो पहली किताब थी जिसका नाम था पेपर बोट्स उसका पब्लिकेशन जो है जो पब्लिश हुई 1921 में हिज़ फर्स्ट नॉवेल वाज मुर्गन द ट्रिलर इनका जो पहला नॉवेल है परीक्षा में पूछा जाता है मुर्गन द ट्रीलर है 1927 में हिज वर्क कैंडन द पैट्रियाट वाज वीरलाइज्ड इन स्वराज मैगजीन इन 1931 थर्टी वन इनका जो वर्क है इन्होंने इनके द्वारा जो एक क्रिएशन किया गया था कैंडन द पैट्रियाट जिसको स्वराज मैगजीन में 1931 में सरलाइज्ड किया गया एंड पब्लिश्ड एज ए इन और किताब के रूप में इसे पब्लिश्ड किया गया 1932 में इन हिज वर्क उनके और जो कार्य हैं उसमें अगर हम बात करें वेंकटा रमनी ग्लोरीफाइड द अपने इसी वर्क में इन्होंने ग्लोरीफाइड किया है इडी कावेरी कावेरी नदी के बारे में भी इन्होंने बताया है आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सम ऑफ हिस फेमस वर्क वर इनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से थे पेपर बोट्स 1921 था ऑन द सैंड डनेज 1923 था मुरगन द टीलर 1927 और रीना इंडिया नाइनटीन कैडन द पेट्रिया नाइनटीन थर्टी टू और जटा धारण एंड अदर स्टोरीज नाइनटीन थर्टी सेवन दोस्तों अगर हम बात करें तो लिटिल इज नोन ऑफ वेंकटा रमणीज पर्सनल लाइफ वेंकटा रमन का जो व्यक्तिगत जीवन था उसके बारे में बहुत कम ही जानकारी है वेदर ही मैरिड कि कहाँ पर इनकी शादी हुई थी वेंकटा रमनी कंटेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस इन अलवर स्टेट वाइल वर्किंग एज रूरल डेवलपमेंट एज वाइड टू प्रिंसली स्टेट एंड वाज सब्सिक्वेंटली इन पुअर हेल्थ थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ एस लाइफ दोस्तों अगर हम बात करें तो वेंकटा रमनी को ट्यूबर क्लोसिस हो गया था टी वी रो गया था इन अलवर स्टेट में अलवर ओवर स्टेट में वेंगेटा रमन को टूबर क्रोसिस हो गया टी वी रोग से ये ग्रसित हो गए वाइल्ड जब वर्किंग एज रूरल डेवलपमेंट जब ग्रामीण विकास के लिए ये एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे थे टू तो प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट में एंड वार सब्सिक्वेंटली इन पुअर हेल्थ और धीरे धीरे जो उनका हेल्थ था वो गिरता चला गया थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ वैकेंटा रमनी सकॉम टू द डिजीज इन मार्च 1950 फिफ्टी टू एट द एज ऑफ सिक्सटी वन इकसठ वर्ष की अवस्था में मार्च नाइनटीन फिफ्टी टू में वेंकेटा रमणी जी का इस रोग के कारण देहांत हो गया मींस होता है मृत्यु हो जाना तो प्यारे साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने इसमें देने की कोशिश की आप सभी के भारी डिमांड पर पीएस क्लासेस लेकर के आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को विजिट करें लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो